हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओके सो यूनेस्को क्या रहता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड किया गया था 1945 में ओके एंड इनका हेड क्वार्टर का है पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है क्यों ऑब्जेक्टिव uh, क्या था टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी ऑफ मैनकाइंड इंटलेक्चुअल और मॉरल यूनिटी आ सके मैनकाइंड में इस वजह से यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को साइट्स जो है यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में ओके बट वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो कन्वेंशन होता है जिनमें वर्ल्ड हेरिटेज की रिकॉग्नाइज साइट्स होती है वो नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ओके इसमें हम देखते हैं ये काई के लिए स्टार्ट हुआ था इसका क्या पर्पज़ था कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस की जो भी साइट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सके ओवरऑल फोर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है यूनेस्को में सिक्स्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन वर्ल्ड, इंडिया के पास में सिक्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वर्ल्ड में ओके okay. कितनी साइट्स हैं हमारे यहाँ फोर्टी वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स हैं, थर्टी टू उसमें से कल्चरल साइट्स हैं सेवन नेचुरल साइट्स है और वन मिक्सड साइट्स साइट है ओके एज रिकोगनाइज बाई यूनेस्को फोर्टी यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट है इन टोटल जैसा कि हमने देख लिया कल्चरल साइट थर्टी टू है नेचुरल सेवन एंड मिक्सड वन नेक्स्ट देखते हैं कौन सी साइट कहाँ पर है सबसे पहले चंडीगढ़ में है दर्किटे द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ और लीक औरबुजियो ओके टू में ये यूनेस्को में इंक्लूड हुआ था उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ में एक ही साइट है ओके okay, उत्तर प्रदेश में तीन साइट्स आती है आगरा फोर्ट फ़तेहपुर सीकरी एंड ताजमहल आगरा फोर्ट 1983 में यूनेस्को में इंक्लूड हुआ है ताजमहल भी 1983 में एंड फतेहपुर सीकरी 1986 में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को में नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में सिक्स साइट से यूनेस्को की आ, फर्स्ट इज अजंता केव्स अजंता केव्स कब इंक्लूड हुए 1983 में यूनेस्को में इंक्लूड हुए छत्र छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था 2004 में इंक्लूड हुए एलिफेंटा केव्स 1987 में यूनेस्को में आए हैं एलोरा केव्स 1983 में आए हैं अजंता एलोरा केव्स दोनों हैं ओके विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंड ऑफ मुंबई ये भी टू में आया है वेस्टर्न घाट्स टू थाउजेंड ट्वेल्व में वेस्टर्न घाट्स एक्चुअली ये वाला रीजन है तो ये महाराष्ट्र में भी वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड होगा कर्नाटक में भी केरल में भी एंड गुजरात में भी मध्य प्रदेश में देख लेते हैं यूनेस्को uh, के कितनी साइड्स हैं फर्स्ट इज़ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची सांची के मॉन्यूमेंट्स नाइनटीन एटी नाइन देन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स नाइनटीन एटी सिक्स में इंक्लूड हुए रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका भीमबेटका टू थाउजेंड थ्री में इंक्लूड हुआ है मध्य प्रदेश में तीन यूनेस्को साइट्स आती है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं गुजरात में चार यूनेस्को साइट्स हैं फर्स्ट इज चंपानेर एंड पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क आता है 2004 में गुजरात ओके देन हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में इंक्लूड हुआ है थर्ड वन इज रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल्व कहाँ पे आता है ये पाटन गुजरात में आता है 2014 में इंक्लूड हुआ है एंड वेस्टर्न गार्ड्स जैसा कि मैंने कहा वेस्टर्न गार्ड्स सारे इसमें आएगा गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक एंड केरल तो वेस्टर्न गार्ड्स टू में यूनेस्को में इंक्लूड हुआ है अब देख लेते हैं गोवा में कितनी यूनेस्को साइट है दो है फर्स्ट इज चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में इंक्लूड हुए सेकंड वन इज़ वेस्टर्न घाट्स 2012 में इंक्लूड हुए नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में कितनी चार साइड्स हैं यूनेस्को की फ़र्स्ट वन इज चोल टेम्पल्स आ जाएंगे बृहदेश्वर टेम्पल ये चोल टेम्पल्स हैं ओके कहाँ पर आते हैं तंजावर में आते हैं तमिलनाडु में आता है जो कि नाइनटीन एंड टू में इंक्लूड हुए हैं ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो नाइनटीन एटी फोर में इंक्लूड हुए हैं नेक्स्ट uh, देख लेते हैं थर्ड वन इज माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया में तीन रेलवेज आती है कालका शिमला रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है नई तीनों रेलवे 1999, 2005 और 2008 में इंक्लूड हुए हैं हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे फोर्थ वन इज़ वेस्टर्न गार्ड्स जो कि 2012 में इंक्लूड हुए हैं बिहार की साइट्स देख लेते हैं तो बिहार में आती है आकलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा बिहार में आती है टू में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया टू में आता है ये बोधगया का टेम्पल कॉम्प्लेक्स और नालंदा महाविहार भी बिहार में आता है बट uh, बोधगया 2002 टू में इंक्लूड हुआ है एंड नालंदा महाविहार टू में इंक्लूड हुआ है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में कितनी साइट्स आती है यूनेस्को की सो फर्स्ट इज हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान टू थाउजेंड थर्टीन में इंक्लूड हुए हैं जयपुर सिटी राजस्थान टू थाउजेंड नाइनटीन में जंतर मंतर जो कि जयपुर में आता है 2010 में इंक्लूड हुआ है एंड केवला, दे, केवला देव केवला देव नेशनल पार्क जो कि 1985 में इंक्लूड हुआ है ओके okay, ये फोर साइड्स आती है राजस्थान में यहाँ वाले इसमें फोर साइड्स है कर्नाटक में देख लेते हैं कितनी साइड्स है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी हम्पी के मॉन्यूमेंट्स नाइनटीन में इंक्लूड हुए हैं पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स नाइनटीन में एंड वेस्टर्न गार्ड्स टू में केरल में भी वेस्टर्न घाट्स आएगा 2012 में उड़ीसा में देखते हैं सन टेंपल कोनार्क ओडिसा 1984 में आ जाएगा ओके okay, आसाम में दो साइड से यूनेस्को की काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 1985 में आता है एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी 1985 में आसाम की दोनों साइड कब इंक्लूड हुई है यूनेस्को में 1985 में फ़र्स्ट वन इज़ काज़ीरंगा नेशनल पार्क एंड अनदर वन इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके okay. उसके बाद डेली में देखते हैं डेली में तीन साइट आती है यूनेस्को की फर्स्ट वन इज़ हुमायूं स्टॉम दिल्ली में आता है कब इंक्लूड हुआ 1993 में इंक्लूड हुआ कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स ये भी दिल्ली में है जो कि नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में इंक्लूड हुआ है थर्ड वन इज रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये टू थाउजेंड सेवन में इंक्लूड हुआ है ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जैसा कि बताया था तीन रेलवेज आती है माउंटेन रेलवेज में तो उनमें से एक रेलवे हिमाचल प्रदेश में आती है तीन रेलवेज है नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड एट में अलग अलग टाइम पे टाइम ड्यूरेशन पे इंक्लूड हुई है नेक्स्ट कौन सी साइट हिमाचल प्रदेश में आती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है ये टू थाउजेंड फोटीन में इंक्लूड हुआ है उत्तराखंड की साइड देखते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 एटी एट एंड टू थाउजेंड फाइव में इंक्लूड हुए हैं सिक्किम में देखते हैं खांगचनजोंगा नेशनल पार्क टू थाउजेंड सिक्सटीन में इंक्लूड हुआ है सिक्किम में सिक्सटीन में इंक्लूड हुआ है ओके इससे हम याद रख सकते हैं सिक्किम में सिक्सटीन में इंक्लूड हुई है यूनेस्को साइड ओके वेस्ट बंगाल में भी माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया में तीन रेलवेज आती है उनमें से एक रेलवे वेस्ट बंगाल में है एंड सेकेंड साइड कौन सी है सुंदरबन नेशनल पार्क आ जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क कब है ये भी 1987 में है फ्रेंड्स अब हम इन 40 साइट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं अजंता केव्स जो कि आती है महाराष्ट्र में 1983 में यूनेस्को साइट में इंक्लूड हुई थी अजंता केव्स अजंता केव फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में आ, कब बनाई गई थी सेकेंड सेंचुरी बी में बनाई गई थी आ, अजंता केव्स में थर्टी वन रॉकेट केव्स आती है और ये सारी केव्स जो है बुद्धिस्ट केव्स है बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट से पेंटिंग एंड स्कल्पचर हमको यहाँ पे दिखते हैं दो फेजेस में बनी बनाई गई है अजंता केव्स फर्स्ट फेज़ जो है वो सातवाहन पीरियड के टाइम पे बनाई गई है सेकेंड फेज़ जो है वो वाकाटक डायनेस्टी के टाइम पे बनी है अजंता केव्स ओके सातवाहन पीरियड कब आता है टू थर्टी बी सी से टू ट्वेंटी बी सी में आता है एंड वाकाटक पीरियड में जो एम्पर था हरिसेन वाकाटक डायनेस्टी का उनके टाइम पे ये अजंता केव्स बनी है मतलब दो फेजेज में बनाई गई है अजंता केव्स नेक्स्ट देखते हैं आगरा फोर्ट आगरा फोर्ट कहाँ पे आता है आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में आता है इसको जहांगीर पैलेस भी कहते हैं ये 1983 में इंक्लूड किया गया है अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं क्लोज़ टू ताजमहल ताजमहल के बिल्कुल पास में ही है आगरा फोर्ट ओके फ्यूजन ऑफ पर्शियन आर्ट ऑफ तिमरिद एंड द इंडियन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर आगरा फोर्ट में हमको तिमरद डाइनेस्टी जो थी उनकी आर्ट फॉर्म्स जो कि पर्शियन पर्शिया की डाइनेस्टी थी ओके okay, परशिया किसको कहते हैं ईरान को पर्शिया ईरान का पहले का नाम पर्शिया है ओके okay, तो वहाँ पर हमें आगरा फोर्ट में या फिर जहाँगीर पैलेस में हमें तिमूरी या फिर पर्शियन आर्ट और इंडियन आर्ट का फ्यूजन मिलता है ओके okay. uh, कब बनाई गई थी uh, आगरा फोर्ट कब बना था अकबर के टाइम पे बनाया गया था सिक्सटीन सेंचुरी में इट वाज ओरिजिनली अ ब्रिक मॉन्यूमेंट नोन एज बादलगढ़ पहले क्या था ये एक ब्रिक मॉन्यूमेंट ही था uh, इसको uh, बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था जो कि राजा बादल सिंह जो थे uh, हिंदू शिखावर राजपूत किंग उनके इसमें uh, बना था सिकंदर लोधी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली टू शिफ्ट टू आगरा एंड लिव इन द फोर्ट सिकंदर लोधी ने पहला था जो कि आगरा में शिफ्ट हुआ दिल्ली से आगरा पहले दिल्ली कैपिटल होती थी ओके डेली शिफ्ट वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली टू शिफ्ट टू आगरा आगरा में वो रहने लगे सिकंदर लोधी एंड वो उस फोर्ट में पहले uh, वो रहते थे सिकंदर लोधी ओके ये रेड सेंड स्टोन से बना हुआ है uh, आगरा फोर्ट में कौन कौन से मोन्यूमेंट्स आते हैं uh, जहांगीर पैलेस uh, आगरा फोर्ट में जहांगीर पैलेस आता है खास महल आता है शीश महल आता है मोमन बुरी एंड ऑक्टागोनल टॉवर वो आता है मोती मस्जिद आती है नगीना मस्जिद आती है ऑडियंस हॉल्स आते हैं ऑडियंस हॉल्स के क्या नाम दिए गए हैं वहाँ पे दीवाने खास है दीवाने आम ओके ये था आगरा फोर्ट नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है नाइनटीन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इंक्लूड है ताजमहल वाइट मार्बल मुगल मुगल आर्किटेक्चर है ओके द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ इस वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया बनवाया गया था कहाँ पर यमुना रिवर के आसपास बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास में आता है ताजमहल इट वॉज कम्पलीटेड इन सिक्सटीन फिफ्टी थ्री में कम्प्लीट हो गया था इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एंड इज़ कॉल्ड द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया ओके नेक्स्ट देखते हैं एलोरा केव्स कहाँ पर आती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती है दिस वन इज एलोरा केव्स 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई फेमस फॉर बुद्धिस्ट एलोरा केव्स बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू टेंपल्स एंड मोनेस्ट्रीज एलोरा केव्स में हमको uh, तीन रिलीजन के केव्स uh, मिल जाती है टेंपल्स मिल जाते हैं एंड मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है जैन टेम्पल्स एंड हिंदू टेम्पल्स मिल जाते हैं केव्स एक्सकेटेड आउट ऑफ हिल्स रॉकट आर्किटेक्चर दिखता है यहाँ पर एलोरा केव्स में थर्टी फोर रॉकट टेम्पल्स एंड केव्स है Uh, यहाँ पर हमने अजंता केवस में पढ़ा था थर्टी वन बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स है थर्टी वन केव्स हैं बट एलोरा केव्स में थर्टी फोर का टेम्पल्स एंड केव्स आती है आर एजेंशियल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन दीज टाइम्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलोरा केव्स उस टाइम पे जब वहाँ पे लोग रहते थे उनकी लाइफ को समझने के लिए uh, काफ़ी ईजी है एलोरा केव्स सिक्स हंड्रेड टू वन थाउजेंड डे में ये बन बनी है ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं नाइनटीन एटी फोर सन टेम्पल कोनार्क उड़ीसा ओके ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है सन टेम्पल कोनार्क उड़ीसा का सेवन वंडर्स ऑफ इंडिया इंडिया के जो सेवन वंडर्स है उनमें भी इंक्लूड है इंडिया uh, के सेवन वंडर्स ओके नॉट वर्ल्ड चैरियट ऑफ द सन कलिंग आर्किटेक्चर हमें इसमें देखने को मिलता है ओके थर्टीन सेंचुरी टेम्पल सिचुएटेड इन कोनार कोडिसा सन टेम्पल कहाँ पे है थर्टीन uh, सेंचुरी में बनवाया गया था कोनार कोडिसा में है किन्नों ने बनवाया था नरसिंह uh, देव वन में वन जो थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर उन्होंने बनवाया था ट्वेल्व फिफ्टी एडी के अराउंड उन्होंने बनवाया था वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मण सेंचुरीज़ इन इंडिया सबसे बड़ी ब्राह्मण सेंचुरी है इंडिया में ओरिजिनली बिल्ट एट द माउथ ऑफ रिवर चंद्रभागा जो रिवर है उसके माउथ पे बना हुआ है ये सन टेम्पल कोनारकोडीसा कौन सी रिवर आती है चंद्रभागा रिवर ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं uh, महाबलीपुरम टेम्पल्स कहाँ पर आते हैं महाबलीपुरम के टेम्पल्स तमिलनाडु में आते हैं नाइनटीन एटी फोर में फाउंडेड बाय पल्लव किंग्स ने बनवाए थे ये टेम्पल्स सेवंथ एथ सेंचुरी के आसपास अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल का जो कोरोमंडल कोस्ट आता है तमिलनाडु के यहाँ पर वो कोस्ट के आस आ, पास में हमें आ, ये महाबलीपुरम के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं इंक्लूड यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द फॉर्म्स ऑफ रथ्स इस टेम्पल में काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलती है रथ हमें देखने को मिलते हैं मंडप्स जो कि केव सेंचुरीज होती है सच एज डेसेंट ऑफ गैंग्स इट इंक्लोजेज ऑफ़ ऑफर्स डेडिकेटेड टू द मतलब शिव टेम्पल है महाबलीपुरम का जो टेम्पल है तमिलनाडु का ये uh, uh, गॉड शिव को डेडिकेट किया गया इसमें uh, पाँच रथ हमें देखने को मिलते हैं धर्मराज रथ अर्जुन रथ द्रौपदी रथ एक्सेट्रा ओके एंड ऑल्सो कंसेज ऑफ मोर देन हाफ अ डजन ऑफ केव टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम इसमें क्या है कंसेस ऑफ महाबलीपुरम केव टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं ओके okay. नेक्स्ट uh, देखते हैं 1985 एटी uh, में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है फेमस फॉर वर्ल्ड टू थर्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिरस वन हॉर्न राइनोसिरस जो होता है मतलब एक सिंग वाला जो राइनोसिरस होता है सबसे ज़्यादा उनकी डेंसिटी हमें यहाँ पर मिलती है वर्ल्ड की टू थर्ड डेंसिटी ओके वन हॉर्न राइनोसिरस काजिरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड यहाँ पर काजिरंगा नेशनल पार्क को टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है राइनोसिरस के लिए भी जाना जाता है एलिफेंट्स वाइल्ड वाटर बफेलो स्वयं डियर एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ओके द साइट वॉज इनिशिएटेड बाई लॉर्ड कर्जन ने बनवाई थी ये साइट काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आसाम में ओके वेन इज वाइफ फेल टू सी अर सिंगल रायनोसरस जब उनकी वाइफ को एक भी रायनोसरस इस रीजन में नहीं मिला था तो उन्होंने अर्ज किया था लॉर्ड कर्जन से टू टेक मेजर्स की इंडेंजर्ड स्पीशीज है इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए कहाँ पे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के यहाँ पे आता है कंटेन्स अबाउट फिफ्टीन इंडेंजर्ड इंडियन फोनल स्पीशीज आता है ऑफ विच द राइनो इज द मोस्ट इंडेंजर्ड इनडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है एनिमल स्पीशीज़ फिफ्टीन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल जाती है और हमें अदर uh, मैमिल्स जैसे कैप्ट uh, लंगूर हूलॉक गिबन टाइगर लेपर्ड्स लॉदबियर गेंग्स डॉल्फिन ये सब हमें कहाँ पर मिलते हैं काजिरंगा नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन आसाम ओके नेक्स्ट वी विल मूव टू मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में है नाइनटीन एटी फाइव में इट इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का uh, आसाम में लोकेटेड है अलॉन्ग साइड द मानस रिवर के पास में है द नेम ऑफ रिवर मानस मानस रिवर का ना नेम कहाँ से डिराइव किया जाता है गॉडेस मनसा से डिराइव किया जाता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जानी जाती है आसाम uh, रू रूफड टटल हेयर गोल्डन लंगूर एंड हॉग इन सारी चीज़ों के लिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ फेमस ओके इसमें भी एंडेंजर्ड uh, स्पीशीज मिलते हैं हमें जैसे टाइगर ग्रेट वन ऑन राइनो स्वैम डियर एंड बेंगोल फ्लोरिकन इंक्लूड्स फॉरेस्टेड हिल्स एल्यूविया ग्रास लैंडस मिलती है एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं हमें uh, आसाम में ओके okay. नेक्स्ट हम देखते हैं uh, केबला नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है राजस्थान में सिचुएटेड है 1985 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है रिच बायोलॉजिकल हेरिटेज है इंडिया का ऑल्सो नोन एज़ भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है uh, केवलादेव नेशनल पार्क को क्यों क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं इस वजह से फेमस फॉर मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी साइबेरियन क्रेनस के लिए भी ये फेमस है बर्ड सेंचुरी uh, तो है ही हॉट है ऑनिथोलॉजिस्ट के लिए ओके okay, ऑनिथोलॉजिस्ट कौन होते हैं uh, बर्ड्स uh, से रिलेटेड रहता है बर्ड्स की स्टडी को ऑनिथोलॉजिस्ट कहा जाता है ओके okay? बर्ड्स uh, के लिए केवलादेव देव नेशनल पार्क इज फेमस लोकेटेड इन राजस्थान राजस्थान में लोकेटेड है सर्वड एज अ डक शूटिंग रिजर्व माना जाता था टिल नाइनटीन सेंचुरी बट सुन डक का शूटिंग रिजर्व था मतलब यहाँ पे शूट करते थे डक को बट सोन यहाँ पर नाइनटीन एटी टू के बाद से हंटिंग को सीज कर दिया गया है Uh, अब ये होम है थ्री सेवेंटी फाइव बर्ड स्पीशीज़ का थ्री सेवेंटी नाइन फ्लोरल स्पीशीज़ भी हमें यहाँ मिल जाती है फिफ्टी स्पीशीज़ हमें फ़िश की मिलती है थर्टीन स्पीशीज़ स्नैक की मिलती है सेवन अलग अलग स्पीशीज़ हमें लिजार्ट की मिलती है और सेवन स्पीशीज़ एम्फीबियंस की मिलती है सेवन टर्टल स्पीशीज़ एंड वेराइटी ऑफ अदर इनवर्टीब्रेड्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में ओके okay, कहाँ पर आता है ये भरतपुर राजस्थान में इट ऑल्सो सर्व्स एज अ विंटरिंग ग्राउंड टू पैली आर्टिक माइग्रेटरी वाटरफॉल क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन जो भी बर्ड्स uh, रहते हैं ना इंडेंजर्ड जो बर्ड्स रहते हैं वो जनरली uh, बहुत सारे बर्ड्स फॉरन uh, से माइग्रेट करके uh, यहाँ पर भी आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में और हमें यहाँ पर इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज़ भी मिलती है ओके ग्लोबली थ्रेटनड ग्रेटर स्पॉटेड ईगल एंड इम्पीरियल ईगल इट इज़ एक्लेम्ड फॉर इट्स रेसिडेंट पॉपुलेशन ऑफ नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए भी जानी जाती है ओके okay? नेक्स्ट हम देखते हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में इंक्लूड हुए हैं कहाँ पर आते हैं ये गोवा में आते हैं फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी मार्क्स द कमिंग ऑफ पोर्टुगीज टू इंडिया पोर्टुगीज इस टाइम पे इंडिया आए थे एंड द इंट्रोडक्शन पोर्टुगीज के आने से क्या हुआ क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन सब में और क्रिश्चियनिटी के इंट्रोडक्शन से काफ़ी सारे चर्चेज बने हैं गोवा में द चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंटली जो बेसिलिका बॉम बॉम्बीज का चर्च है इंडिकेट द कमेंसमेंट ऑफ इवेंगलैजेशन इन एशिया मतलब बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी uh, में कन्वर्ट होने लगे थे इस टाइम पे ओके okay? और बहुत सारे चर्चेज़ भी बने थे बैसी लिखा बॉम जीजस का जो चर्च है ऑल्सो हाउस द सेक्रेट टॉम्ब है वहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का टॉम uh, भी है बैसीलीका uh, बॉम जीजस जो चर्च है यहाँ पे हमें डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स मिलते हैं मैन्युल मैनरिस्ट एंड बैरोक आर्ट फॉर्म्स मिलते हैं ये स्पेशली हमें चर्चेज में ही देखने को मिलते हैं आर्ट फॉर्म्स ओके दिस वन मैन्यूल इन मैनरिस्ट एंड बैरोक आर्ट फॉर्म्स जो हैं ये हमें पोर्टुगीज़ uh, ने जो चर्चेज बिल्ड uh, करी है उनमें ही हमें देखने को मिलते हैं ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं खजूराव टेम्पल्स uh, खजूराव टेम्पल्स कहाँ पे आते हैं uh, मध्य प्रदेश में आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाइन्टीन में इंक्लूड किए गए हैं टेम्पल्स चंदेल डायनेस्टी के टाइम पर बनवाए गए थे uh, चंदेल डायनेस्टी सर्वाइव करती थी नाइनटीन नाइन फिफ्टी टू वन थाउजेंड फिफ्टी सी में थे टोटल एट्टी फाइव टेम्पल्स थे जिनमें से अभी सिर्फ बीस टेम्पल्स रिमेनिंग है ओके ये टेम्पल्स मेनली हिंदू एंड जैन रिलीजन को डेडिकेट किए थे इनमें से फेमस टेम्पल जो है गंदरिया महादेव का टेम्पल है जो कि एक शिव टेम्पल है नागर स्टाइल के लिए जाना जाता है एंड यहाँ पर इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं ओके मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स रहते हैं वो नागर स्टाइल में रहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की तीन स्टाइल्स होती हैं नागर स्टाइल द्रविड स्टाइल एंड थर्ड वन इज वेसर स्टाइल ओके नागर स्टाइल के टेम्पल्स हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं द्रविड स्टाइल के टेम्पल्स हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं और वेसर स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं जो कि दोनों टेम्पल्स का मिक्सचर रहता है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के टेम्पल्स इंक्लूड होते हैं मतलब जो आ, आर्ट रहती है दोनों आर्ट इंक्लूड होती है उसको वेसर स्टाइल कहते हैं मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक में ये मॉन्यूमेंट्स आते हैं नाइनटीन एटी सिक्स में इंक्लूड किए गए हैं हम्पी के मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लास्ट कैपिटल ऑफ़ द किंगडम ऑफ विजयनगर विजयनगर डायनेस्टी जो थी उनकी कैपिटल uh, थी हम्पी ओके विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटक ये टेम्पल्स द्रविड द्रविड स्टाइल के टेम्पल्स हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि साउथ इंडिया के मोस्टली टेम्पल्स द्रविड स्टाइल में बने हुए हैं बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर के रूलर्स ने ही बनवाए थे ये टेम्पल्स हम्पी के जो मोन्यूमेंट्स हैं ओके फोटीन सिक्सटीन सेंचुरी में ये मोन्यूमेंट्स बने हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट इसमें मोन्यूमेंट कौन सा है विरूपक्ष टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है हम्पी मोन्यूमेंट्स में ओके नाइनटीन एटी सिक्स में इंक्लूड है नेक्स्ट देखते हैं फतेहपुर सीकरी uh, जो कि uh, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है जैसे इसके नाम से ही हमें हमें समझ में आ रहा है फतेह फ़तेह मीन्स विक्ट्री दर इट्स सिटी ऑफ विक्ट्री नाइनटीन एटी सिक्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुए हैं द नेम ऑफ द सिटी इट्स सेल्फ डिनोट्स द विक्ट्री फ़तेह अकबर की uh, विक्ट्री हुई थी जीत हुई थी चित्तौड़ विजय जो थी अ, अकबर की एंड रंथंबोर विजय उन दोनों को जीत लेने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी के मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे उत्तर प्रदेश में ओके जो कि 1986 में इंक्लूड है यूनेस्को में इट ऑल्सो सर्व एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फॉर अ शॉर्ट पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये फ़तेहपुर सीकरी जो कैपिटल भी थी मुगल एम्पायर की इट कॉन्स्टिट्यूट्स फोर मेन मॉन्यूमेंट्स आते हैं फतेहपुर सीकरी में फर्स्ट वन इज़ जामा मस्जिद आती है बुलंद दरवाजा आता है विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोर ऑफ एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट डोर माना जाता है एशिया का बुलंद दरवाजा को इंटीरियर टू बुलंद दरवाज़ा लाइज द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती का भी टॉम्ब आता है बुलंद दरवाज़ा के अंदर ओके सलीम चिश्ती का ये अकबर ने जैसा कि फतेहपुर सिकरी बनवाया था अकबर uh, जो सेंट थे शेख सलीम चिश्ती उन उनको काफ़ी फॉलो फौल, uh, करते थे काफ़ी उनको मानते थे इस वजह से जहांगीर का नाम उन्होंने सलीम भी रखा था ओके okay? uh, पाँच महल और uh, जड़ा बाई का महल uh, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ओरिजिन प्लेस थी ये नवरत्न की जैसे बीरबल तानसेन ये भी कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी में है इसमें भी दीवाने खास और दीवाने आम जो कि ऑडियंस हॉल्स हैं ये भी हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटा केव्स एलिफेंटा केव्स आती है महाराष्ट्र में 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड ऑन एन आईलैंड इन आ, अरेबियन सिटी आ, नियर टू तो द सिटी ऑफ मुंबई मुंबई सिटी के नियर बाई आइलैंड पर लोकेट है एलिफेंटा केव्स फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी के मिड में ये बनाई गई थी द चेन ऑफ स्कल्प्टेड केव्स लोकेटेड ऑन द एलिफेंटा आइलैंड आइलैंड को एलिफेंटा नाम से ही जाना जाता है इन केव्स के नाम से ही जाना जाता है इज ऑल्सो नोन एज घरपुरी भी कहा जाता है इस आइलैंड को ओके जिस आइलैंड पे एलिफेंटा केव सिचुएटेड है फेमस फॉर देर रॉकर्ट्स कल्पचर्स एंड काविंग्स के लिए ये फेमस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द केव्स यर इज़ केव वन जो है एलिफेंटा केव्स की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे केव वन जो है जो स्टार्टिंग की केव है वहाँ पे हमें सदाशिव मिलते हैं एंट्रेंस पे ही विच डिपिक्स थ्री साइड्स ऑफ शिव सदाशिव क्या होता है जिसमें हमें तीन साइड दिखते हैं शिव के कि शिव जो है वो क्रिएटर भी है शिव प्रिजर्वर भी है एंड डिस्ट्रॉयर भी है इस यूनिवर्स के ओके okay, तो सदाशिव का uh, जो मोनूमेंट uh, है वो हमें एलिफेंटा केव्स में मिलता है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट केव में आता है सदाशिव ओके नेक्स्ट देखते हैं सुंदरबंश नेशनल पार्क ये कि वेस्ट बंगाल में आते हैं 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुए फेमस फॉर सुंदरबंश नेशनल पार्क तो बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है जो कि क्रिटिकली इनडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं इज अ नोन टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे सिचुएटेड है फॉर्म बाय गंगा रिवर बनाती है ये डेल्टा इन दी बे ऑफ बंगाल ने गंगा रिवर बनाती है सुंदरबन डेल्टा और इस डेल्टा के नाम पे ही सुंदरबन नेशनल पार्क है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व भी है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं अदर एनिमल स्पीशीज़ सच सचैस गेंगेटिक डॉल्फिन स्पॉटेड डियर वाइल्ड बोर एंड अदर मैमल और एम्फीबियन स्पीशीज़ भी हमें यहाँ देखने को मिलती है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो भी हमें सुंदरबन नेशनल पार्क में देखने को मिलता है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं पट्टाडकल टेंपल्स टेम्पल्स विच आज सिचुएटेड इन कर्नाटक में आते हैं आ, ओके फेमस फॉर इट्स पट्टाडकल टेम्पल्स जो है चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सेवेंथ एट सेंचुरी में बनाए गए थे ओरिजिनेटेड इन ए होल यहाँ पर पट्टाडकल टेम्पल्स में हमें नागर और द्रविड स्टाइल दोनों के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं uh, वेसर स्टाइल भी कहते हैं ऑल द चालुक्या किंग्स वर कोरोनेटेड एंड वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य एज वेल चालुक्य डाइनेस्टी के जो किंग्स थे सबका राज राज्य अभिषेक इसी टेम्पल में हुआ था ओके okay? और ये uh, चालुक्य की कैपिटल भी थी पट्टा डकल ओके okay? नाइन हिंदू टेम्पल्स आते हैं और इसमें जैन सेंचुरी भी आती है इंक्लूडिंग द टेम्पल ऑफ विरूपक्ष टेम्पल भी आता है और मास्टर पीस बिल्ड इन सेवन फोर्टी सी ई में बनाया गया था विरूपक्ष टेम्पल किसने बनाया था क्वीन लोक महादेवी ने बनाया गया था टू कमेम्बरेट हर हस्बेंड्स विक्ट्री को कमेम्बरेट करने के लिए पहले ऐसा होता था कोई भी विक्ट्री होती थी उसके बाद कोई एक बड़ा मोन्यूमेंट बनाते थे जो भी किंग्स रहते थे किंग्स या क्वीन उस टाइम पे ऐसा ट्रेडिशन था तो विरूपक्ष टेम्पल भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो कि क्वीन लोक महादेवी के जो हस्बैंड थे उनकी विक्ट्री पे बनाया गया था ओके विरूपक्ष टेम्पल न्यूमरस टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्य रूलर्स ने काफ़ी सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए ये सारे टेम्पल्स जो हैं इनमें एट टेम्पल्स आते हैं वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है एंड जैन एंड शेवाइट सेंचुरीज भी आती है uh, हिंदू टेम्पल्स जो एट टेम्पल्स हैं ओवरऑल uh, नाइन टेम्पल्स हैं पट्टा डक्कल में एट टेम्पल्स लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है एंड वन जैन टेम्पल है ओके okay? द फेमस मॉन्यूमेंट्स आर विरूपक्ष टेम्पल हमें यहाँ पे मिलता है पट्टाडकल डकल टेम्पल्स में संगमेश्वर टेम्पल मिलेगा चंद्रशेखर टेम्पल मल्लिकार्जु टेम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल जैन टेम्पल और एंड मोर ओके नेक्स्ट देखते हैं 1987 टू 2004 तक चोल टेम्पल्स बृहदेश्वर टेम्पल्स धंजावर नाइनटीन एटी सेवन में इंक्लूड किया गया है एंड गंगाईकोंड चोलपुरम एरातेश एरावतेश्वर टेम्पल जो है वो टू थाउजेंड फोर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है बिल्ट बाई किंग्स ऑफ द चोल अम्पायर चोल अम्पायर के टाइम पर यह बना था ओके इनमें चोल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है स्कल्पचर पेंटिंग्स एंड ब्रॉन्स कास्टिंग मिलती है तीन टेम्पल्स आते हैं ओके इन तीन टेम्पल्स में ये तीन टेम्पल्स इलेवन ट्वेल्थ सेंचुरी में बनाए गए थे फर्स्ट वन टेम्पल इज वृद्धेश्वर टेम्पल आ जाएगा तंजावर का सेकेंड वन इज वृद्धेश्वर टेम्पल है गंगाईकोंड चोलेवरम का एंड थर्ड वन इज एराते एरावतेश्वर टेम्पल जो कि दारासुरम का है ओके okay? uh, जो फर्स्ट वन टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल जो फर्स्ट वन टेम्पल है uh, बृहदेश्वर तंजावर में बनाया गया है ये uh, राजा राजा वन जो कि चोल डायनेस्टी के रूलर थे उनके उन्होंने बनवाया था ब्रद्धेश्वर टेम्पल जो कि तंजावर वाला है सेकेंड वन ब्रद्धेश्वर टेम्पल गंगाईकौंड चोलीश्वरम का राजेंद्र वन ने बनवाया था इन वन जीरो थ्री फाइव सी में बनवाया गया था और ये uh, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है फर्स्ट वन uh, राजा राजा वन ने बनवाया था ब्रद्धेश्वर टेम्पल तंजावर का सेकेंड वन ब्रद्धेश्वर टेम्पल गंगाईकौंड चोलीश्वरम का राजेंद्र वन ने बनाया था एंड दिस वन इज़ शिव टेम्पल थर्ड वन इज़ एरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम का है ये राजा राजा सेकेंड ने बनाया था ओके नेक्स्ट देखते हैं सांची स्तूप नाइनटीन एटी नाइन ये मध्य प्रदेश uh, में सिचुएटेड है ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है इन एग्जिस्टेंस एंड अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर रहा है ट्वेल्थ सेंचुरी ए डी तक इंडिया का ओके okay. इनमें किया जाएगा मोनोलिथिक पिलर्स आते हैं पैलेसेज टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज आती है ऑल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंजर्वेशन मोस्ट ऑफ विच ओके इसको स्टार्ट uh, किसने करवाया था uh, सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का अशोक ने बनवाया था थर्ड सेंचुरी बीसी में एंड देन ये रिनोवेट किए गए थे सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ़ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है नाइनटीन से टू तक ये नंदा देवी एंड वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 एंड 2005 में इंक्लूड किए गए हैं 600 से ज़्यादा स्पीशीज़ फ्लोरा की एंड 520 से ज़्यादा स्पीशीज़ फोना की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबली थ्रेटर्न स्पीशीज़ जो है स्नो लेपर्ड हिमालयन मस्क डियर की यहाँ पर पाई जाती है एशियाटिक ब्लैक बियर ब्राउन बियर ब्लू शिप एंड हिमालयन मोनल वर्ल्ड नेटवर्क है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का ओके नंदा देवी हाइएस्ट माउंटेन पीक है उत्तराखंड की एंड द हाइस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की ऑल्सो बिकॉज द कंचनजंगा इज नोन टू शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल कंचनजंगा जैसा कि नेपाल के साथ में कंचनजंगा की बॉर्डर शेयर होती है तो इंडिया की हाइएस्ट माउंटेन पीक कंसिडर की जाती है नंदा देवी ओके okay? देर आर टू पीक्स ऑफ द माउंटेन की दो पीक है ईस्टर्न पीक का नाम आ जाएगा सुनंदा देवी जो है वो ईस्टर्न पीक है इट हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस बैक फ्राम द पुरान्स एंड उपनिषद्स के ऐसा इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सुनंदा देवी की हाइट कितनी है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मीटर्स है अब द सी लेवल वैली ऑफ फ्लावर्स इनमें दो आते हैं नंदा देवी आता है जो कि माउंटेन पीक है एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आता है जो कि दोनों उत्तराखंड में ही हैं ओके वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है नियर है पास में है नंदा देवी पीक के इट इज़ फेमस फॉर एस्टोनिशिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं और जो ये पूरी वैली को एक बेडशीट से कवर कर लेते हैं ये फ्लावर्स द वैली ऑफ फ्लावर्स फ्लॉन्ट्स एस्थेटिकली प्लीजिंग मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स ओके नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन रेलवेज नाइनटीन नाइन्टी नाइन से टू थाउजेंड एट तक ओके नाइनटीन नाइनटी नाइन टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड एट या इन टाइम पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तीन माउंटेन रेलवेज इंक्लूड की गई थी ओके okay, जो कि ये माउंटेन रेलवे नाइनटीन टवेंटी सेंचुरी में बनाई गई थी टू प्रोवाइड एक्सेस टू टाउन्स और हाईलैंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू टाउन्स इन हाईलैंड्स ऐसे टाउन्स जो कि हाईलैंड पे हैं और डिफ़िकल्ट टेरेंस में काफ़ी डिफिकल्ट प्लेसेस पे ये ट्रेन uh, जो है वो चलाई जाती है नाइन्टीन दैट्स वाई इन ट्रेन में इस वजह से यूनिकनेस है इस वजह से ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है ओके नाइनटीन में सॉरी uh, नाइन्टीन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसे डी एच आर भी कह सकते हैं एंड टॉय ट्रेन भी इसे कहा जाता है ओके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज वेस्ट बंगाल में है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग चलती है ओके एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इट इज़ इंक्लूडेड इन नाइनटीन नाइन्टी में नीलगिरी माउंटेन रेलवेज इंक्लूड है ओके नीलगिरी माउंटेन रेलवेज नीलगिरी तमिलनाडु में है ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाई गई थी 1908 में सदन रेलवे के द्वारा ये ऑपरेट की जाती है ओके इट इज़ द सिंगल रैक रेलवे इन इंडिया ऐसी एक ही रैक रेलवे है जो कि इंडिया में है विच इज़ दिस नीलगिरी माउंटेन रेलवे सिचुएटेड इन तमिलनाडु 2008 में कालका शिमला रेलवे को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कालका टू शिमला ये चलती है ओके बिल्ट बिटवीन 1898 नाइनटी एट टू नाइनटीन के बीच में ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी टू कनेक्ट शिमला विद रेस्ट ऑफ इंडियन रेल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ये रेलवे ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी ओके शिमला को इंडियन रेल सिस्टम के साथ में जोड़ा जाए नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं हुमायूं टॉम्ब नाइनटीन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं डेली में सिचुएटेड है फिफ्टीन में बेगम बेगा फ़र्स्ट वाइफ थी हुमायूं की उन्होंने ये टेम्पल बनवाए थे इट हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पहला गार्डन टॉम्प था जो कि इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया गया था ओके okay? uh, ये uh, ताजमहल को बनवाने का जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से आता है ओके इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉलर मोन्यूमेंट्स आते हैं uh, हुमायूं के टॉम्प में इसमें फर्स्ट वन इज़ ईसा खान नियाजी नियाजी एंड अफ़गान नोबल इन शेरशाह शाह कोर्ट ऑफ़ द सूरी डायनेस्टी ईसा hmm. खान नियाजी का मॉन्यूमेंट भी आता है जो कि कौन थे ईसा खान नियाजी एक अफ़गान नोबल थे जो कि शेर शाह सूरी के टाइम पे थे वो ओके जो कि शेरशाह सूरी सूरी डायनेस्टी के थे नेक्स्ट देखते हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में आते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स टू थाउजेंड थ्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स विद इन नेचुरल रॉक शेल्टर्स स्टोन एज इंस्क्रिप्शन सिटिंग प्लेस ऑफ भीम महाभारत ओके okay. महाभारत में जो भीम था उसकी सिटिंग प्लेस भी मानी जाती है तभी भीम बेट का ओके रॉक पेंटिंग्स दिखती है यहाँ पे अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबसे अर्लीस्ट ट्रेसेस हमें इन केव्स में मिलते हैं ओके okay. रॉक पे जो पेंटिंग्स बनी हुई है ना उनमें ये कब uh, की किस टाइम की मिजोलिथिक पीरियड की साइट है ये वन लैक ईयर्स अगो पहले की है ओके okay. ये क्या इंडिकेट करती है कि भाई स, uh, स्टोन एज का बिगिनिंग इंडिकेट करती है साउथ एशिया में कहाँ पे लोकेटेड है ये विंध्या माउंटेन्स पे लोकेटेड है इन द टेक्कन प्लेटू ओके फाइव रॉक्स आती है जो कि कब डिस्कवर की गई थी 1957 में डिस्कवर की गई थी ये पेंटिंग्स इंस्ट्रूमेंटल है अबाउट द लाइफ और एक्टिविटीज़ किस तरह से उस टाइम पे uh, लोगों की लाइफ स्टाइल थी ये इंडिकेट करती है ये पेंटिंग्स हंटर गैदरस थे हु प्रिसीडेड अस एंड शोड द कमिंग टुगेदर ऑफ आर्ट फॉर्म एंड लैंडस्केप उस एज में क्या था ये हमें बताती है मतलब उस एज में किस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते थे ये पेंटिंग्स हमें मिजोलिपिक साइट की लाइफ बताती है ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स 1993 में इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिल्ली में आता है कुतुब मीनार इंक्लूड्स कुतुब मीनार कुतुब मीनार में कुतुब मीनार आता है अलाई दरवाज़ा आता है अलाई मीनार आती है ओके कुतुब मीनार पूरा एक कॉम्प्लेक्स है उसमें कलेक्टिवली बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं फर्स्ट वन इज़ कुतुब मीनार अलाई दरवाज़ा अलाई मीनार कुतुब मीनारुतुब इस्लाम मॉस्क अलतुतमिश का टॉम्ब और ये आयरन पिलर ओके जो नियर बाय है कुतुब मीनार के uh, ये आयरन पिलर काफ़ी फेमस है दिस वन इज़ आयरन पिलर एंड दिस वन इज़ कुतुब मीनार ओके बिल्टिन एलेवन नाइन्टी में फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो थे uh, डेली के उन्होंने बनाया था कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था मामलुक डायनेस्टी के थे ओके okay. uh, किसकी याद में बनवाया था उन्होंने जो फेमस उनके सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनकी याद में बनवाया था आफ्टर द डिफ़ीट ऑफ डेलीज लास्ट हिंदू किंगडम को हराने के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ओके okay. जो कि स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी के रूलर थे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे और किसकी याद में बनवाया था uh, सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करता है मेनली ड्यू टू इट्स हाइट के कारण जाना जाता है कुतुब मीनार काफ़ी लॉन्गेस्ट हाइट है सेवेंटी थ्री मीटर टॉल है एंड डायमीटर मीटर फिफ्टीन मीटर एंड टू पॉइंट फाइव मीटर एट द टॉप रेड सेंट स्टोन का बना बनाया गया है नियर टू कुतुब मीनार इज़ कुत इस्लाम मॉस्क आता है कुतुब मीनार के पास में विच वॉज बिल्ट ऑन द रूइ्स ऑफ द लालकोट सिटी ऑफ द प्रीवियस हिंदू किंगडम जो थे उनकी जो लाल कोट सिटी थी उसको हटा के ये कुतुब मीनार बनाया गया था एंड इज़ ऑल्सो नोन टू बी द फर्स्ट मॉस्क है आ, इंडिया का जो कि बनाया गया था ओके फर्स्ट मॉस्क इन दी कंट्री कुतुब मीनार ओके नेक्स्ट देखते हैं महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार 2002 में महाबोधि टेंपल इंक्लूड हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है, है बुद्धिस्ट के लिए क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पर अशोक ने बनवाए थे एम्पर अशोक ने थर्ड सेंचुरी बी में महाबोधि टेम्पल बौधगया के बनवाए थे हुआ है प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है वो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में भी इसमें कुछ रेनोवेशन हुआ होगा ओके okay, इस वजह से हमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के जो एविडेंसेस हैं वो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के मिलते हैं जो फोर सेक्रेट साइट्स से गौतम बुद्ध की ओके okay, उनमें से एक uh, मानी जाती है बौद्धगया महाबोधि टेम्पल ओके okay, जो कि uh, गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है इट इंक्लूड्स महाबोधि टेम्पल वज्रासन सेक्रेट बोधी ट्री एंड अदर सिक्स सेक्रेट साइट्स जो आती है बुद्धों के एनलाइटनमेंट की इंपॉर्टेंट साइट है महाबोधि टेम्पल बहुत गया ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं 2012 में वेस्टर्न गार्ड्स इंक्लूड किए गए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सयादरी माउंटेंस भी कहा जाता है वर्ल्ड के टेन हॉटेस्ट बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूड है यहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं ओके वेस्टर्न गार्ड्स वाला एरिया ये वाला कहलाता है जो कि आ, अरेबियन सी के इंडिया के वेस्ट साइड पे आता है और अरेबियन सी के नियर बाय आता है एंड दिस वन इज़ ईस्टर्न घाट ओके जो बे ऑफ बे ऑफ़ बंगाल के साइड में आता है वेस्टर्न घाट्स कंसेज ऑफ काफ़ी सारे चेन ऑफ माउंटेन्स आते हैं जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेल है ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है दिस वन इज़ द वेस्टर्न कोस्ट के uh, पैरेल जो आते हैं कंस्रीज ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन्स रनिंग पैरल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट कौन सी स्टेट से ये पास होता है केरल केरल ओके महाराष्ट्र दिस वन इज महाराष्ट्र गोवा एंड गुजरात ऊपर साइड पे गुजरात आएगा तमिलनाडु एंड कर्नाटक ओके okay, से वेस्टर्न गार्ड्स पास होते हैं इंक्लूड्स सयाद्री सब क्लस्टर आ जाएगा इसमें वेस्टर्न गार्ड्स में कुद्रेमुख सब क्लस्टर आ जाएगा ताल कावेरी सब क्लस्टर नीलगिरी सब क्लस्टर अन्नामलाई सब क्लस्टर पेरियार सब क्लस्टर एंड अगस्त्यमलाई सब क्लस्टर्स ये वेस्टर्न गार्ड्स में काफ़ी सारे सब क्लस्टर्स इंक्लूडेड हैं तो उनमें से ये आ, सब क्लस्टर्स आते हैं सयाद्री कुद्रेमुख तालका अन्नामलाई पेरियार एंड अगस्ता मलाई वन लैख सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला फैला हुआ है ओके okay, सिर्फ एक बार वेस्टर्न घाट इंटरप्ट होता है वो भी पालघाट गैप है वहाँ पर थर्टी किलोमीटर का इस वजह से इंटरप्ट uh, होता है दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून वेदर पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ओके वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न गार्ड्स आर ऑल्सो होम टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं यहाँ पे थ्री ट्वेंटी फाइव स्पीशीज़ मिलती है फ्लोरा और फोना की और काफ़ी सारे इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ भी वेस्टर्न गार्ड्स में हमें मिलते हैं नेक्स्ट देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क है गुजरात में टू थाउजेंड फोर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है पाँच माइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पाँच माइल जो कि डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की उसमें है सेंटर्ड अराउंड द सिटी ऑफ चंपानेर चंपानेर सिटी के यहाँ पर सिचुएटेड है चंपा और मोहम्मदाबाद ओके चंपा को क्या कहा जाता है मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है क्योंकि चंपा की जो सिटी है वो महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात के सुल्तान थे उन्होंने बनाई थी इसलिए चंपा को मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है इसमें इलेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आते हैं मॉस्क टेंपल टॉम्स फोर्ट्रेस वॉल्स पैलेसेस एंड पेवेलियन हेलिकल वेल्स रिलीजियस बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल प्रिसिट्स एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर वाटर इंस्टॉलेशन सिक्सटीन सेंचुरी के आते हैं इसमें कुछ एंशियंट साइट्स भी आती है चालकुलती केज की स्टोनेजेरा की ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज इस्लामिक प्री मुग़ल सिटी है कालिका माता टेम्पल जो कि पावागढ़ हिल के टॉप पे आता है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट श्राइन माना जाता है लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स को वो अट्रैक्ट करता है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं रेड फोर्ट लाल किला कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ जो भी मुगल आर्किटेक्चर के जो इंपॉर्टेंट uh, आर्किटेक्चर्स हैं ताजमहल हो गया रेड फोर्ट हो गया शाहजहाँ को क्या शाहजहाँ का जो पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर के uh, नाम से भी शाहजहाँ के पीरियड को जाना जाता है और जहांगीर का जो पीरियड था वो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स माना जाता है ओके बट शाहजहाँ का आर्किटेक्चर एंड जहांगीर का पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है अब रेड फोर्ट किसने बनवाया था रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया था ही जब उस कैपिटल शिफ्ट की थी जब आगरा से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली को उस टाइम पे शाहजहाँ बात के नाम से भी जाना जाता था रेड सेंट स्टोन्स से ये uh, लाल किला बना हुआ है इस वजह से इसका नाम लाल किला रखा गया है रेड सेंट स्टोन से बना है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में रेड uh, फोर्ट आता है एज़ वेल एज़ सलीमगढ़ फ़ोर्ट भी आता है जो कि फ़िफ्टीन फोर्टी सिक्स में इस्लाम शाह uh, सूरी ने बनवाया था जो uh, सूरी डायनेस्टी के थे मुगल आर्किटेक्चर और रिनोवेशन को रिफ्लेक्ट करता है रेड फोर्ट इंडो इस्लामिक तिमोरे हिंदू और पर्शियन आर्ट फॉर्म्स हमें रेड फोर्ट में देखने को मिलते हैं रेड सेंट स्टोन से बनाए जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसमें कुछ प्राइवेट पेवेलियंस है दीवाने आम एंड दीवाने खास रो ऑफ पेवेलियस आर कनेक्टेड बाय अ कंटिन्यूस वाटर चैनल से कनेक्टेड जिसे क्या कहते हैं नहर ए बिष्ट कहते हैं बेहिष्ट कहते हैं नहर ए बेहिष्ट स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज ओके उससे ये कनेक्टेड है जो कि वाटर चैनल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता है मुंबई में सिचुएटेड है 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है फेमस है सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है ये टेरर अटैक्स ऑन मुंबई इन 2008 में यहाँ पर टेरर अटैक्स भी हुए थे दो uh, हज़ार में जो मुंबई अटैक्स हुए थे एक्जाम्पल ऑफ गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर का ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ इंडिजिनस और वेस्टर्न स्टाइल इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है छत्र छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में uh, कि बन, बनाया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने uh, बनाया था इंस्पिरेशन कहाँ से थी गोथिक uh, आर, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल जो कि मुगल uh, बिल्डिंग्स थी उनसे इंस्पिरेशन लेके ये बनाया गया था एज द सिंबल ऑफ गोथिक सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है मेट बॉम्बे द फेस ऑफ बींग द इंटरनेशनल मर्केंटाइल पोर्ट ऑफ इंडिया इसने बॉम्बे को एक इंटरनेशनल मर्केंटाइल पोर्ट बनने में भी हेल्प की ओके okay? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ओके okay? रेलवे का हेडक्वार्टर भी यही है नेक्स्ट देखते हैं छत्रपति uh, शिवाजी टर्मिनस में नाइन्टी फोर बिल्डिंग्स आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल इंपॉर्टेंस के इससे फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई में लोकेटेड है विक्टोरिया बिल्डिंग्स में आता है बॉम्बे हाई कोर्ट फोर्ट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग आती है राजा भाई क्लॉक टावर आ जाएगा वॉटसन होटल डेविड सेसून लाइब्रेरी एंड एल्फिनस्टन कॉलेज आ जाएगा ट्वेंटी सेंचुरी आर्ट डिको आर्ट डिको के बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा राइट अलॉन्ग द अरेबियन सी के राइट में है कंसेस ऑफ प्राइवेटली ओन्ड जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है एंड फेमस इरोज सिनेमा जो है ओके okay, वो विक्टोरिया uh, बिल्डिंग्स में कुछ आर्किटेक्चर uh, इंक्लूड होते हैं और आर्ट टेको बिल्डिंग्स जो है उनमें कुछ आर्किटेक्चर इंक्लूड होते हैं तो विक्टोरिया बिल्डिंग्स में तो गवर्नमेंट आर्किटेक्चर ही दिख रहे हैं बट आर्ट डेको की बिल्डिंग्स में हमें प्राइवेटली ओन्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं मार्क द बिगिनिंग ऑफ इरोज सिनेमा आ, जो है वो भी हमें यहाँ पर उनका भी आ, बिल्डिंग देखने को मिल जाता है ओके नेक्स्ट देखते हैं जंतर मंतर जयपुर राजस्थान के 2010 में इंक्लूड हुए हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर एटीन सेंचुरी में Uh, राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकेंड जो कि राजस्थान के किंग थे उन्होंने बनवाया था नाइनटीन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल भी यहाँ पर प्रेजेंट है लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑब्जर्वेटरी का सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर 2013 में इंक्लूड हुए हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इसमें सिक्स मैजेस्टिक फोर्ट्स आते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में आते हैं चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ सवाई माधोपुर जिसे रंतमबोड़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है फोर्थ वन इज झालावार झालावार को गागरोन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को आमेर फोर्ट या अंबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड सिक्स वन इज जैसलमेर फोर्ट तो ये सिक्स फोर्ट्स जो कि राजस्थान के हैं हिल्स पे सिचुएटेड हैं ये 2013 में इंक्लूड हुए हैं यूनेस्को साइट्स में ओके इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर राजपूत इन फोर्ट्स को अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते थे इसमें सिक्स मेजेस्टिक फोर्ट्स आते हैं सारे ही फोर्ट्स अरावली माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है मैग्नीफिशेंट एंड स्टॉलबोर्ट एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट मैनिफेस्ट द लाइफ स्टाइल एंड नेचर ऑफ राजपूत रूल को ये शो करते हैं एट से एटीन सेंचुरी तक राजपूत का रूल था ओके दिस फोर्टिफिकेशन इसमें अर्बन सेंटर्स पैलेसेस ट्रेडिंग सेंटर्स टेम्पल्स और बहुत सारे आर्ट और कल्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं यूनिक वाटर स्टोरेज हारवेस्टिंग सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आज भी वाटर स्टोरेज के जो भी सिस्टम्स हैं स्टिल वो यूज में है. ऑल्सो नोन फॉर बींग द शूटिंग लोकेशन है ये मूवी का द डार्क नाइट राइजेस एंड अ फ्यू फिल्म सत्यजीत रे की जो फिल्म है सोनार केला ओके okay, Um, उनकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई है एंड द डार्क नाइट राइजेस ओके ये दो फिल्म्स जो है वो यहाँ पर आ, उनकी शूटिंग हुई है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में नेक्स्ट देखते हैं 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होने वाले हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया इनके बारे में थोड़े से इफॉर्मेशन देख लेते हैं ये नेचुरल साइट में आता है इंडिया की ग्रेट हिमालन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया कुल्लू रीजन में आता है हिमाचल प्रदेश के हिमालयन नेशनल पार्क को आ, एल्पाइन पीक्स एल्पाइन मिडोज रिवराइन फॉरेस्ट कॉनीफेरस फॉरेस्ट स्नोई पीक्स कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो पीक वाले फॉरेस्ट होते हैं ना ट्रीज़ होते हैं वो कॉनीफेरस ट्रीज आते हैं ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ओके प्रिस्टाइन ग्लेशियर्स एट सबलाइन कलर्स टू इट्स ब्यूटी ग्लेशियल एंड स्नो मेल्ट वाटर का भी सोर्स है ये okay, ओके uh, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी में आता है मेनली uh, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है वो यहाँ से पास होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है नेशनल पार्क का कंजर्वेशन एरिया थ्री सेवेंटी फाइव फोना स्पीशीज़ और फ्लोरा स्पीशीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ब्लू ब्लूशिप स्नो लेपर्ड हिमालयन ब्राउन बियर हिमालयन तहर मस्ट डियर्स स्प्रूसेस हॉर्स चेस्टनट्स एंड वास्ट एल्पाइन मीडोज यहाँ देखने को मिलते हैं हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये एक इम्पोर्टेंट रीजन uh, है ओके रानी की वाव द क्वीन्स टेपविल पाटन गुजरात में है टू थाउजेंड फोर्टीन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है ओके सरस्वती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है सरस्वती रिवर के यहाँ सिचुएटेड है रानी की वाव थर्ड सेंचुरी बी में बनाया गया था सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ भीमदेव वन की मेमोरी में Uh, रानी की वाफ बनाया गया था द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द फैमिली पैर विदाउट क्वीन उदयमती ने बनाया था किसकी मेमोरी में बनाया था भीमदेव देव वन की मेमोरी में बनाया था ओके okay? uh, और उदयमती कौन थी इज़ विदाउट किंग क्वीन ऑफ भीमदेव वन ओके okay? रानी के वाव को स्टेप्ड uh, कॉरिडोर्स के कारण जाना जाता है स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग्स के कारण भी जाना जाता है मोस्ट ऑफ़ द स्कल्पचर्स इन द वेल आर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु को डिवोट किए गए हैं बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ जो दस अवतार थे विष्णु भगवान के उनको सिग्निफाई करते हैं ओके दिस टेपल फ्लॉन्ट्स द मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें यहाँ पर uh, देखने को मिलती है रानी की भाव में अपार्ट फ्रॉम बींग अ पैलेस प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर वाटर स्टोर करने की एक प्लेस भी है ये ओके okay. दिस वाव हैज़ अ स्पिरिचुअल मीनिंग स्पिरिचुअल भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लॉर्ड विष्णु के जो दस अवतार हैं uh, उनको भी ये uh, सिग्निफाई करती है रानी की वाव ओके okay? This one is Rani की पाटन गुजरात में आता है नेक्स्ट देखते हैं आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में आती है टू थाउजेंड सिक्सटीन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है मोस्ट एशियंट uh, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इंडियन सबकॉन्टीनेंट की सेंटर है लर्निंग का एंड बुद्धिस मोनेस्ट्री है यहाँ पे थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्टीन सेंचुरी तक बिल्ड की गई थी ये सेंटर था लर्निंग का थर्ड सेंचुरी से थर्टीन सेंचुरी तक लर्निंग का सेंटर था और एक बुद्धिस मोनेस्ट्री है रिमेंस ऑफ स्तूप्स श्राइन्स एंड विहार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स है नालंदा वाउट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज़म का एवोल्यूशन हुआ था नालंदा uh, uh, से ही एज अ रिलीजन एंड रिमेंड इन अबॉर्ड ऑफ नॉलेज फॉर एट हंड्रेड ईयर्स तक ये एक इम्पॉर्टेंट साइट uh, रही है बुद्धि रिलीजन के लिए नॉलेज नॉन फॉर इट्स फॉर्मलाइज वैदिक लर्निंग के लिए जानी जाती है स्कॉलर्स एज़ फार एज़ फ्रॉ फ्रॉम एज़ फार एज़ दि चाइना कोरिया और सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे इस्कॉलर्स जो है यहाँ पर आया करते थे पढ़ने अटेंडेड द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रहने के भी फैसिलिटी अवेलेबल थी ओके नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्रिक सिटी ऑफ़ अहमदाबाद जो कि 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है फ़र्स्ट सिटी है इंडिया की जो कि यूनेस्को में एंटर हुई है ओके कब एंटर हुई थी सेवनटीन टू थाउजेंड सेवनटीन में एंटर हुई थी साबरमती रिवर के नियर बाय ये सिचुएटेड है अहमदाबाद सिटी किसने फ़ाउंड की थी सुल्तान अहमद शाह ने फाउंड की थी इस, इस वजह से ही आम, लेटर इयर्स में फिफ्टीन सेंचुरी में सुल्तान अहमद शाह ने फाउंड की थी लेटर इयर्स में इनका अहमद शाह ने फाउंड की थी इस वजह से अहमदाबाद होता गया इट ऑल्सो सॉफ्ट एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात गुजरात की भी uh, काफ़ी सालों से ये कैपिटल uh, रही है अहमदाबाद दिस इट इज़ अ टेस्टिमनी टू द हार एग्जिस्टेंस काफ़ी सारे रिलीजन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वेराइटी ऑफ़ रिलीजन हिंदूज इस्लाम जैनिज्म द अर्बन फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड ट्रेडिशनल हाउसेज़ जो और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स भी हमें देखने को मिलती है ट्रेडिशनल हाउसेस पोल्स एंड ट्रेडिशनल स्ट्रीट पूरा जो कि पहले कहा जाता था स्ट्रीट्स को पूरा कहा जाता था एंड हाउसेस को पोल कहा जाता था अहमदाबाद में ट्वेंटी फाइव आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ओके नेक्स्ट okay. देखते हैं खांगचन जोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में सिचुएटेड है या फिर खांगचेंग जोंगा बायसफियर रिजर्व टू थाउजेंड सिक्सटीन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है मिक्सड साइट में पहली और इकलौती मिक्स जो साइट है कांगचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पर आती है सिक्किम में आती है कांगचनजुंगा जो कंचनजंगा जो पीक है ओके थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की कंप्राइजेस uh, यहाँ पर स्टीप साइडेड वैलीज आती है स्नोकलाइड माउंटेन्स हैं लेक्स और ग्लेशियर्स हैं जेमू ग्लेशियर भी हमें यहाँ uh, मिलेगा देखने को ओके लोकेटेड अराउंड द बेस ऑफ माउंट कांगचनजोंगा माउंट के बेस पे ये लोकेटेड है नेशनल पार्क यहाँ पर काफ़ी सारे थ्रेट और एंडेमिक एनिमल स्पीशीज़ मिल जाएंगे जैसे स्नो लेपर्ड ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं आर्कोलॉजिकल आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो द मॉडर्न मूवमेंट ओके okay. चंडीगढ़ में है टू में जो ली कॉर्बुसियर जो कि एक आर्किटेक्चर है उनकी सेवनटीन साइट्स है टोटल वर्ल्ड में ओके okay, जो कि सेवन कंट्रीज़ में फैली हुई है उनमें से एक आती है चंडीगढ़ चंडीगढ़ का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो ली कॉरबोजियर ने डिज़ाइन किया है उन सेवनटीन साइट्स में से कुछ साइट्स के नाम है कॉम्प्लेक्स डू कैपिटल जो कि चंडीगढ़ में आता है द म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट इन टोक्यो जापान में आता है द हाउस ऑफ डॉक्टर कुरुचेट इन ला प्लाटा अर्जेंटीना में आता है यूनाइटी हैबिटेशन इन मर्सील फ्रांस में आता है ओके okay. कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ ऑल्सो होज द कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ में है न, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ओके वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है uh, दोनों स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है हरियाणा की भी और पंजाब की भी हाई कोर्ट और सेक्रेट्रिएट है लोकेटेड इन सेक्टर वन में uh, लोकेटेड है ये uh, वॉज बेल्ट वन चंडीगढ़ जब डेवलप हो रहा था तब ये uh, बना था ओके okay. तब ली कॉरपोजियर ने पूरा चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था ओके नेक्स्ट देखते हैं पिंक सिटी जयपुर 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया सबसे बड़ी सिटीज़ में आती है जयपुर वॉल्स और गेट से सराउंडेड है डेकोरेटेड विथ ड्राइंग्स ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ ब्यूटीफुल पिंक यू जयपुर को जैसा कि पिंक सिटी भी कहा जाता है ओके okay? uh, काफ़ी सारी, uh, uh, सारी अदर यूनेस्को साइट्स भी जयपुर में काफ़ी सारी अदर यूनेस्को साइट्स भी हैं जैसे आमेर फोर्ट और जंतर मंतर आ जाएगा जयपुर काफ़ी सारे जयपुर में काफ़ी सारे मैग्नीफिशेंट uh, फोर्ट्स है पैलेसेज हैं टेम्पल्स हैं एंड म्यूजियम्स हैं पॉपुलर बाजार्स भी हैं जैसे बापू बाज़ार ट्रिपोलिया बाजार एंड जौहरी बाज़ार ओके okay? Uh, 2019 में इंक्लूड हुआ है जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेक्स्ट देखते हैं दोला ये एक हड़प्पन सिटी है 2021 में इंक्लूड uh, की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये साइट जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट uh, है दोलाबीड़ा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज में से है और ये कब एग्जिस्ट करती थी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी ओके इट वाज अ फ्लरिशिंग हड़प्पन साइट है टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी एंड वन फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी बी की साइट है खादिर बेट ऑफ कच्चे गुजरात में आती है ये इस विलेज को कोटाडा कोटड़ा टिम्बा नाम से भी जाना जाता है जहाँ पे ये दूला साइट लोकेटेड है ओके कहाँ पर है गुजरात में है और खादीरबेट बेट गुजरात में है कोटड़ा टिम्बा नाम से भी जाना जाता है Uh, काफ़ी सारे अच्छे आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं द लोकेशन नॉट ओनली होल्ड्स एविडेंट पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर बट ऑल्सो हड़प्पन लाइफ स्टाइल भी हमें यहाँ पे समझ में आती है कि किस तरह से प्लानड सिटीज़ थी हड़प्पा के टाइम पर ओके uh, तीन मेन आर्किटेक्चरल लेआउट्स में ये डिवाइडेड है टाउन ऑल्सो हैड अ वास्ट काफ़ी ओपन स्टेडियम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अर्दन पॉट्स हैं बीड्स ज्वेलरी का भी यूज़ होता था उस टाइम पर और काफ़ी सारे बहुत सारे मटेरियल यहाँ से एक्सकेवेट किए गए हैं हेड एंड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए धो दो, धोलाविडा को काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए जानी जाती है ओके okay, uh, दो उसके इंपॉर्टेंट वाटर चैनल्स हैं मंसार एंड मनहार ओके काकतिया रुद्रेश्वर uh, या रामप्पा टेंपल के नाम से भी जाना जाता है काक्तिया रुद्रेश्वर टेंपल को कहाँ पर सिचुएटेड है तेलंगाना में सिचुएटेड है 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड uh, किया गया है ये एक हिंदू टेंपल है जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है फर्स्ट हाफ ऑफ थर्टीन सेंचुरी में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था काकतिया डायनेस्टी के जो रूलर थे रेचेलरा रुद्र आ, ओके जो कि जनरल ऑफ काकतिया किंग गणपति देव काकतिया किंग जो थे गणपति देव उनके एक जनरल थे ये रेचेलरा रुद्र ओके जो कि काकतिया डायनेस्टी से रिलेट करते हैं उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था ऑल्सो नो उन्हस रामप्पा अप्प्पा टेम्पल भी बोला जाता है इसी काकती रुद्रेश्वर टेम्पल को जो उनके स्कल्प्टर थे उनके नाम पे इन्हें रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने करीबन चालीस साल तक इस टेम्पल में वर्क किया हु एग्जीक्यूटेड द वर्क इन द टेम्पल फॉर फोर्टी ईयर्स तक टेम्पल के आर्किटेक्चर में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है फाउंडेशन जो है इस बिल्डिंग का सैंड सेंड बॉक्स टेक्निक के ऊपर यह आर्किटेक्चर बेस्ड है काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है आर्किटेक्चर की तो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जो है वो सेंड बॉक्स टेक्निक के ऊपर बेस्ड है डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स से डेकोरेट किया गया इन ग्रेनाइट एंड डोलेराइट दैट डिपिक्ट रीजनल डांस कस्टम्स को जो कि डिपिक्ट करता है ओके okay. फ्रेंड्स दिस इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू